अगर आप किसी फूल से खुशबू हासिल करना चाहते हैं तो कांटों का सामना तो करना पड़ेगा। खुशबू हासिल करना चाहते हैं, अगर कुछ फायदा हासिल करना चाहते हैं तो कांटों का सामना करना पड़ेगा। कुछ अच्छा एक तरीका ऐसा है कि कांटों का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। वो क्या है? कांटों से भी बच जाओ। एक तो ये है ना कि अगर खुशबू हासिल करना चाहते हो तो फिर कांटों का सामना करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ ये उसके लिए है जो खुशबू हासिल करने वाला है। एक वो है जो खुद फूल बन जाता है, खुशियां बांटता है, खुशियां तकसीम करता है। अगर तुम अपना फायदा हासिल करना चाहते हो कांटों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम खुद फूल बन जाओ, खुद खुशबू बिखेरने वाले बन जाओ, तो वही कांटे जो कल तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनते थे, वही कांटे तुम्हारे मुहाफिज बन जाएंगे, वही तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे।